मोदी के 8 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के 8 साल देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने वाले कार्यकाल रहा है और इस दौरान देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया गया है। आवास, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ देश निरंतर आगे बढ़ा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर कहा कि धीरे धीरे कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान के नक्शे से गायब होते जा रहा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। मोदी जी ने 8 साल पूरे किए हैं, तमाम तरीके की सौगातें देश को मिली है, क्या कहें? 8 साल विकास के, 8 साल स्वावलंबन के, और 8 साल में जो कार्यकाल रहा है मोदी जी का, वो देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने वाला हुआ है। एक देश को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम हुआ है। स्वावलंबन की दिशा में हम आगे बढ़े हैं और उसके साथ ही साथ एक आत्मविश्वास के साथ हमारा युवा, हमारी महिला, हमारे गरीब लोग के जीवन में परिवर्तन आया है। चाहे वो गरीबों के जीवन में एक सुखद परिवर्तन आया, उनके लिए आवास की योजना बनी, उनके लिए बिजली की योजना बनी, उनके लिए शौचालय की योजना बनी, उनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। उसके लिए उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपया तक के उनके लिए इलाज की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में हुआ। तो हर गरीब को उनसे जुड़ी हुई योजनाओं का सीधा बेनिफिट कैसे मिले, इसके लिए मोदी जी ने 8 साल में काम किया और मान सम्मान बढ़ा। सर, लगातार भी जो कांग्रेस है वह चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। पहले राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा करती है कांग्रेस, क्या जरूरत आन पड़ी जो चिंतन शिविर का लगातार आयोजन किया? कांग्रेस धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में गायब होता जा रहा है। 2014 के बाद 51 स्थानों में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस 40 जगह में हार गई। 690 सीटों में विधानसभा के चुनाव हुए, सिर्फ 60 जगह में जीत पाई। कांग्रेस आज नेता प्रतिपक्ष भी लोकसभा में बनाने की स्थिति में नहीं है। उसका कारण ये है, जन विरोधी नीतियाँ और फैसले। यदि आज छत्तीसगढ़ में 2 राज्यसभा के सीटों के लिए चयन करना था, इनको छत्तीसगढ़ में कोई योग्य व्यक्ति दो अब नहीं दिखा। इनको आज बिहार से और उत्तर दिल्ली से लोगों को राज्यसभा के लिए यहाँ पे लाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार की नीतियाँ ही ऐसी हैं जिसकी वजह से जनता इनके विरोध में खड़ी होती जा रही है। वो चिंता करें या चिंतन शिविर करें, कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में भी सफाया तय है। तो मोदी जी के 8 साल और 15 साल में जो डेवलपमेंट किए गए हैं छत्तीसगढ़ में, उसे लेकर भाजपा जो है छत्तीसगढ़ में अब जनता के बीच लेके जाएगी, भाजपा का यह नया मूल मंत्र होगा। इसी के साथ ही कांग्रेस के जो चिंतन शिविर पर लगातार जो विपक्ष हमलावर है, उसको लेकर डॉक्टर रमन सिंह जी ने सीधी बातचीत की। कैमरामैन रिजवान के साथ मोनिका दुबे, INS 24x7 रायपुर।